आज से जर्मनी में नेटो की एक्सरसाइज एयर डिफेंडर 23 को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि रूसी सीमा के पास उड़ान भरेंगे नेटो के जेट। ड्रिल से रूस और चीन को क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। युद्ध के बीच नेटो की इस ड्रिल को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि इसी ड्रिल पर अब पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि किस तरीके से इस पूरी एयर डिफेंडर 23 ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन से देश, कितने सोल्जर्स, कितने फाइटर जेट्स इसमें शामिल है, इस एक्सरसाइज की एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। लेकिन ये पहली बड़ी खबर जहां नेटो के इतिहास की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज उस वक्त हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल बीत चुका है, और ऐसे में क्या इस एक्सरसाइज के जरिए एकजुटता दिखाते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और रशिया को किस तरीके से अब बड़ी चेतावनी दी जा रही है इस पर भी होगी चर्चा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने डिटेल नेटो की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज को लेकर, क्योंकि आपको बताते हैं यह आखिर एक्सरसाइज हो कहां रही है। इस एक्सरसाइज को लेकर एक एक डिटेल आपके सामने, और साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें जर्मनी में हो रही इस एक्सरसाइज को लेकर, जहां 25 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितने देश? 25 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं एयर डिफेंडर 2023 में। कितने जेट शामिल हैं? 220 जेट इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, और 10,000 एयर वॉरियर्स इस खास एक्सरसाइज का हिस्सा है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जरिए रूस को दी जा रही है बड़ी चेतावनी। 12 से 23 जून तक चलने वाली इस ड्रिल को लेकर एक एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां कितने यूएस एयरक्राफ्ट इसमें शामिल है, 100 यूएस एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि 25 देश जिस तरीके से इस ड्रिल में शामिल है, 2000 यूएस जवान इसका हिस्सा है, और मकसद है रूस पर दबाव बनाना और चीन को भी क्लियर मैसेज देना। हालांकि नेटो की इस एयर एक्सरसाइज को लेकर जिस तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन आने वाले कई दिनों तक ये सामने रहेगा, एक एक इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा, जहां नेटो की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज कैसे रूस को बड़ी चेतावनी के तौर पर मानी जा रही है। एक मैप अब आपके सामने रखेंगे, उस मैप के जरिए ये लोकेशन जरा समझिएगा, क्योंकि अलग अलग जोन, खास तौर पर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट जोन, ये जो पूरा एरिया है डार्क ब्लू हाइलाइटेड, ये बेसिकली ट्रेनिंग एयर स्पेस सेंटर्स हैं, और ये जिस तरीके से पूरी मार्किंग की जा रही है, ये एक डेली मिशन का पूरा रूट होगा। ये रूट होगा उन इलाकों की तरफ जो यूक्रेन की तरफ जाते हैं, जहां पर ये फ्लाई होते हुए वापस आएंगे इस एक्सरसाइज के जरिए। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हिस्सा एस्टोनिया का, क्योंकि एस्टोनिया का ये पूरा बॉर्डर जिस तरीके से रशिया से बिल्कुल सटा हुआ है, इस पूरे मिशन में इस रूट पर नजर जरूर है, क्योंकि ये वो रूट है जो ट्रेनिंग एयरबेस से सभी फ्लाइंग जेट्स उड़ान भरते हुए सीधा एस्टोनिया की तरफ इन रूट होंगे। और किस तरीके से रोजाना ये बैक एंड फोर्थ मिशन चलेगा, इसके बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष देगा, क्योंकि मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, यही सबसे पहला सवाल, आखिर इस एकजुटता के तहत क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? जिस वक्त ये एक्सरसाइज हो रही है एयर डिफेंडर 23, रशिया इसको लेकर क्या स्पेक्यूलेशंस लगा रहा है? बिल्कुल सुरभि, देखिए साइज को भी देखें और टाइमिंग देखें, दोनों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं कुछ और फिगर बता दूं आपको, टोटल जो फाइटर जेट इसमें शामिल हो रहे हैं वो 220 होंगे। अमेरिका से 100 फाइटर जेट, अमेरिका से 200 एयर वॉरियर आएंगे, लेकिन टोटल एयर वॉरियर इसमें 10,000 होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बड़ा स्केल है। नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज यहाँ होने जा रहा है, और यूरोप के आसमान में जब 220 फाइटर जेट गूंजेंगी, गरजेंगी, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि ना केवल ये मिलिट्री एक्सरसाइज, बल्कि इसकी वजह से यूरोप के आसपास से गुजरने वाली रोजाना 800 फ्लाइट, जो सिविलियन फ्लाइट है, वो भी प्रभावित होगी। लेकिन इस वॉर एक्सरसाइज का सीधा मैसेज अभी ये है, उस बारे में भी मनीष डिटेल है, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ये एक और जंग की आहट है? बिल्कुल, देखिए ये महायुद्ध की तैयारी है, क्योंकि अब नाटो को भी लगता है कि अगले कुछ महीने में रूस के साथ सीधे लड़ाई हो सकती है, रूस को भी लगता है कि नाटो के साथ कभी भी लड़ाई हो सकती है, और उसी तरफ ये युद्ध जा भी रहा है। तो वैसी स्थिति में जिस महायुद्ध का की आशंका हम लगातार जता रहे थे, अफसोस की बात यह है कि वो होता हुआ दिख रहा है मुझे। वो दबदबा कायम करने की जो रशिया के खिलाफ कोशिश हो रही है, उसमें अब चीन को भी मैसेज दिया जा रहा है मनीष।
अब बिल्कुल देखिए, रूस के साथ चूंकि चीन चाहे इंडो पैसिफिक के फ्रंट पर देखें एक बड़ी चुनौती है, इसके अलावा रूस और चीन का एक अलायंस भी बनता जा रहा है, वैसी स्थिति में नाटो एक्सरसाइज को आप रूस के लिए चीन के लिए मैसेज दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये दुनिया भर के लिए मैसेज है कि देखिए एक जो तीसरा महायुद्ध होने वाला है उसके असर से पूरी दुनिया नहीं बचेगी, तो वैसी स्थिति में ताकत के इस प्रदर्शन के बीच में जो लोग शांति का पाठ पढ़ना चाहते हैं, सवालों का जवाब देने के लिए, मनीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका।